ऐसे कैसे मैच नहीं हो रहा है साईं? देखिए मैडम। देखिए क्या? तुम लोग मुझे पैसे देना ही नहीं चाहते। बेटा जरा इधर आओ। हाँ बेटा, तुम्ही से कह रही हूँ। जी कहिए। बेटा ये दोनों पेपर देखो, दोनों में साइन एक है ना। ये लोग पैसा ही नहीं दे रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, समझाओ ना इन्हें बेटा। मैं कोशिश करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? इनका साइन मैच ही नहीं हो रहा है। आप एक और चेक बना दीजिए। कितनी बार बनाओ? 3 बार बना चुकी हूँ। आई अंडरस्टैंड, बस एक और बार एक नया चेक बना दीजिए और आराम से इत्मीनान से टाइम लेकर सिग्नेचर कीजिए। ओके ये देख लो, साइन सेम है ना। ये लीजिए, अब पैसे दे दीजिए। मैडम अभी भी साइन मैच नहीं हो रहा है। एक मिनट। हाँ मिस मोना। यस मैम। एक बार इधर आएगा, आप जानती हैं ना? जी मैम, ये तो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है, सिस गुंदेचा। उन्हें कहीं भी कुछ भी काम हो तो वो हमेशा मेरे पास आते हैं। एक्सक्यूज मी, ये आपकी कलीग मिस मोना भी इन्हें पहचानती है, शक्ल से पहचानती है। किसी का सिग्नेचर चेंज हो सकता है, शक्ल तो नहीं बदल सकती ना। पर इस एज में इतनी देर से वो खड़ी हैं, आपको इनकी मदद करनी चाहिए। और इनका आधार कार्ड लिंक्ड होगा ना बैंक से? मैम आपके पास आधार कार्ड है? थैंक यू। ये देखिए इनका आधार कार्ड, आप मैच करके देखिए, मैच हो रहा है ना? कभी कभी इस एज में थकान की वजह से हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से शायद इनका सिग्नेचर करेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इनकी एज को देखकर आपको तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए इन्हें। प्लीज आप इनकी मदद कीजिए और इन्हें कैश दे दीजिए। मिस्टर मेहता, आप इन्हें कैश दे दीजिए प्लीज। जी मैडम, 2000 के बंडल खत्म हो गए, मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू सो मच मिस मैम। अब तो आप खुश हैं? हाँ बहुत खुश हूँ। तुमने इन्हें ऐसे समझाया कि अब ये मुझे तो क्या, किसी भी ओल्ड लेडी को परेशान नहीं करेंगे और शक्ल देखते ही पैसे दे देंगे। आई होप सो। कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो तू कह दे तो हंसते हंसते मर जाए। आज इन दोनों को डिस्टर्ब को बिल्कुल मत करना। मुझे इनके साथ रहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। पूरब, से बात हुई तुम्हारी? हाँ बात हो गई है, इनफैक्ट काम भी हो गया, बैंक से मेल आ गया करेक्शन से। ठीक है चलो चलकर मेल चेक कर लेते हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? कहीं बाहर नहीं लेकर जा रही हूँ, सिर्फ मेल चेक करनी है। आई एम जस्ट टेकिंग हिम देयर। ब्रेकफास्ट करके आ जाएंगे। ब्रेकफास्ट वो मेल चेक करते हुए भी खा सकता है। बात तो आ जाएंगे। इट्स ओके दिशा, मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, ये काम भी जरूरी है। आलिया नेक्स्ट टाइम से रूम में आओ ना, तो
प्लीज नॉक करके आना। ये इनका केबिन नहीं है, हमारा बेडरूम। चलो तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा। और आपका नाम तो मुझे पता है, मिसेस गुंडेचा। बेटा मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, मुझे नाम से नहीं दादी कह के बुलाओ। और दादी से ऐसे मिलते हैं, शादी हो गई तुम्हारी? जी। तो ऐसे मुंह लटका के क्यों बोल रही हो? झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारे पति से? मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है ना कोई प्यार, निकल जाए उसे। ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं, झगड़ा तो अपनों से ही होता है। क्या नाम है तुम्हारे पति का? अभी अभिश। मेरे कुमकुम पे हमेशा आपका ही नाम रहता। मैं बात करवाती थी आपके उनसे, वो बहुत बड़े रैपर। बेटा नाम तो बता। उनका नाम किंग सिंह है। जैसा आपने कहा हमारा झगड़ा हो गया। मैडम आपके पैसे रेडी है। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करूंगी कि तेरी और तेरे पति की लड़ाई आज ही खत्म हो जाए। बेटी तुमने मेरी बहुत मदद की है, इस हेल्प के लिए बहुत थैंक्स। आपका नाम नहीं बताया, लेकिन काश मैं आपको बता पाती कि मेरी जिंदगी में आप क्या हैं। हो गया? नहीं, लेकिन मेल तो चली गई। वो एक काम करो, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे ना, वो इंटरेस्टेड विद अस, उनको मेल भेजो। उनको बोलो अगर वो ऐसे डीले करते रहेंगे ना तो हम डील कैंसिल कर देंगे। ओके। आप कुछ चाय कॉफी कुछ लेंगे? मेरा चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, सोचा आपके लिए भी बना लूं। तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई, एक कप चाय चलेगी। ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। आलिया मैं यही हूँ आसपास। What do you mean by मैं यही हूँ आसपास? नहीं मतलब रॉबिन बाहर गया है किसी काम से, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। थैंक यू वेरी मच, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो तो बहुत अच्छा है, और भी अच्छा। आते
तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? कौन सी बात का? अरे वो कुछ देर पहले मैं तुम्हें और पूरब को, यू नो, वो पूरब को मैं ले गई थी कुछ देर के लिए, तो तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया था। उसे अलग होना नहीं, जिम्मेदारी का एहसास होना कहते हैं। तुम नहीं समझोगे। राइट, सो व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन इट टू मी? देखो आलिया, अगर पूरब जी तुमसे ये कहते कि मैं ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद ही तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम आगे चलो, तो तुम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो तुम्हारे साथ तुरंत चले गए, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी का एहसास है। इसमें देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। And I really don't like it. And I don't like कि मेरे और मेरे पति के बीच में कोई आए। दिशा, तुम ना ये किचन के काम में हाथ बटाती हुई अच्छी लगती, ये ऐसे जुबान चलाते हुए नहीं। मैं जुबान नहीं चला रही आलिया, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही। तुम जानती हो दूसरे की थाली में नजर रखने वाले को क्या कहते हैं? नियत का बुरा। तो मेरे पति से नजर हटाकर नजर कहीं और टिका, शायद कैरेक्टर की बुरी कहलाने से बच जाओगे। तुम होती कौन हो मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाली? अगर तुम्हारी हरकतें दुनिया ने देख ली ना, तो मैं क्या, पूरी दुनिया तुम पर यही सवाल उठाएगी। इनफ मैं भी कह सकती हूँ, बहुत हो गया आलिया। बेहतर होगा कि तुम भी तुम्हारे लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। मुझे मेरे लिए किसी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी चॉइस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, समझी तुम? कॉम्प्रोमाइज तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारी पसंद के बीच मैं खड़ी हूँ। वैसे तो मुझे कोई चीज आसानी से पसंद नहीं आती, लेकिन जब पसंद आ जाती है तो मैं उसे आसानी से छोड़ती नहीं। और रही बार शादी की, तो मुझे तो एक्चुअली में शादी करनी ही नहीं, क्योंकि अगर शादी के बाद तुम्हारी जैसे बहन जी ही बनना है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और पति तो मैं जिसको चाहूँ बना सकती हूँ, एवरीबडी विल बी रेडी टू मैरी मी आलिया मेहरा। लेकिन क्या है ना, शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। एंड इफ यू फील दैट आई फील फॉर पूरब, तो ऐसा नहीं, I don't feel for him anymore. हाँ, कुछ दिन पहले मुझे लगा था कि शायद I feel for him, but फिर मुझे realize हुआ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे realize हुआ कि पूरब अगर तुम जैसी लड़की से प्यार कर सकते हैं, if you are his choice, then I'm over him. Okay? तो ये बात तो अपने दिमाग से निकाल देना। और हाँ, एक और बात, एक बात अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकालना, बल्कि अपने दिमाग में बिठा लो कि आज के बाद मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कमेंट मत करना। और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारी लाइफ बुक में ऐसा कुछ कर जाऊंगी कि लाइकिंग सिर्फ मुझे मिलेंगी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, एंड यू माई फ्रेंड विल बी लेफ्ट विद नथिंग। तुम्हारा फॉर्म रह गया था। झगड़ा हुआ तुम्हारे उस जोकर से, तुम्हारे उस पतिदेव से? नहीं, झगड़ा नहीं। चुप बोल रही हो ना? मैंने कहा ना, कोई झगड़ा नहीं। हाँ, तुम मुझे क्यों बताओगी? सुना मैंने कि तुम्हारे उस चोकर से झगड़ा। मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? चोकर नहीं करो, फॉर्म भर। अभी भी झगड़ा खत्म नहीं किया तुम्हारे पति ने। नहीं मैम, आप वैसा बिल्कुल नहीं। हम पति पत्नी नहीं है,
बेटा घर में ऐसी बातें बोलो तो चलेगा, बाहर ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। देखिए मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरे पति नहीं हैं, हम पति पत्नी नहीं हैं। उससे मैं सब ऐसे ही बोलते हैं। हाँ मैं भी कहती थी जब मैं अपने मिस्टर से लड़ती थी, लेकिन बाद में सोचते थे कि आखिर लड़ाई किस बात पे हुई, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा है। देखिए आप एक बार मेरी बात, चल अब जाने दे, गुस्सा छोड़ और प्यार से अपने पति को देख, बस देखती रह और सोच कि हमारे बीच प्यार के अलावा कुछ नहीं है, फिर देख गुस्सा कैसे चला जाता है। और तुम्हें इसके लिए, मैम आप गलत समझ रही हैं, मैं तुम्हारी स्कूल की टीचर नहीं हूँ। मैम क्या होता है, मुझे दादी बोल। अभी यही बात तुम्हारी अपनी दादी बोलती तो क्या तुम नहीं मानते? तेरी बीवी ने भी मुझे दादी कहा है, रिश्ते बनाने भी नहीं आते। मैं समझ गया मैम। शुक्र है कुछ तो समझ में आया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ना समझूं? यही बात मेरी आंखों में देखकर बोल। फायदा क्या है? हाँ, हर जगह तो फायदा ही चाहिए ना तुम्हें। बस ऐसे ही देखो मुझे, बिना ताने मारे बिना लड़े मुझसे बात करो। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? मैं बस बस बाकी झगड़ा घर में जाके कर लेना। वैसे तुम्हारी लड़ाई ने मुझे मेरा बीता हुआ टाइम याद दिला दिया है। वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों जिस तरह झगड़ रहे हो ये देख के तो लगता है तुम दोनों में प्यार भी बहुत है। है नहीं था। मतलब थोड़ी देर पहले था, अब नहीं है, फिर हो जाएगा। पति पत्नी का प्यार मानसून की बारिश है, थोड़ी देर रुकेगी फिर जम के बरसेगी। अपनी इस परी का ख्याल रखना, बीवी है तेरी, बस यही एक रिश्ता है जो मरते दम तक साथ रहता है। बहन की ये लीजिए, आपकी गर्मा गर्म कड़क चाय। थैंक यू। You feel that I feel for Puro? वैसा नहीं, I don't feel for him anymore. अरे ये क्या लगा है? क्या है? कुछ चिपका है आपके पीछे, धूल चिपक गई थी। पता नहीं कैसे धूल चिपक गई। कोई बात नहीं, पुरानी धूल होती है ना तो वो झटक के साफ करनी पड़ती है, मैंने कर दी। आगे से ख्याल रखो। आप क्यों आगे से ख्याल रखेंगे, मैं हूं ना आपकी बीवी, आपका ख्याल रखने के लिए। वैसे आप जल्दी जल्दी काम खत्म कीजिए, साथ में लंच करते प्लीज जल्दी, ये आपकी बीवी का ऑर्डर है। ओके ओके बाबा। पूरा काम हो गया? हाँ कर रहा हूँ। कर रहा हूँ का क्या मतलब, इतना टाइम लगता है क्या? अरे कर तो रहा हूँ। जल्दी से मेल करो और एक काम करो, उस हेमंत को फोन करना है। वो तो न्यूयॉर्क गया है ना, उसका इंटरनेशनल नंबर नहीं है मेरे पास। How can you be so irresponsible? तुम्हारे पास कैसे? You know what? तुम ये मेल सेंड करो, मैं उसका नंबर लेकर आती हूँ।
बात है, आज तो बड़ा खुलम खुला प्यार हो रहा है। आप काम खत्म कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे अभी तो इतना प्यार जता रही थी, अब अचानक से क्या हो गया इसे? मौसम खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना हो जाए। अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन पहले तुम दोनों प्रॉमिस करो कि तुम दोनों साथ रहोगे, झगड़ोगे नहीं। चलो प्रॉमिस करो और ये फोन दे दो मुझे। अब बोलो, लड़ोगे नहीं ना?